खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बाबा विश्वनाथ की धरती पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यानी वाराणसी में हम मौजूद हैं। मैं कल से ये देखिए हर हर महादेव की गूंज, आप इसी से समझ जाइए कि हम कहां पर हैं। और मैं कल से यहां पर मौजूद हूं। मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, कल उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद लोगों के बीच में गए, फिर उन्होंने नगर के कोतवाल के दर्शन किए, नामांकन दाखिल किया। रोड शो 2 घंटे 40 मिनट का था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इतना वक्त दिया है तो महज इसलिए नहीं दिया है कि एमपी है वो यहाँ के, इसलिए दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि अभी 4 और फेजेस में 240 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये दौरा कहीं ना कहीं उन 240 सीटों के लिए था? क्या 2 घंटे 40 मिनट से निशाना 240 सीटों पर था? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर, इनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। और यहाँ वाराणसी की जनता आप देखिए कितने जोश में नजर आ रही है, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। बीस घंटे के दौरे में काशी में मोदी मोदी की गूंज। मोदी ने काशी की धरती से भरी जीत की हुंकार। इस चुनाव के दो पहलू हैं, एक है काशी लोकसभा जीतना। मेरे हिसाब से ये काम कल पूरा हो गया है ना। एक काम अभी बाकी है, वो है पोलिंग बूथ जीतना। मोदी ने कहा देश में सरकार के पक्ष में है लहर। हमारे देश में इतने चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद पॉलिटिकल पंडितों को अपने माथा पच्ची करनी पड़ेगी कि आजादी के बाद इतने चुनावों में प्रो इनकम्बेंसी वेव पहली बार देश देख रहा है। कांग्रेस ने मोदी के दावों को बताया गलत। 303 सीटों पे पोलिंग हो चुकी है और 330 सीटों का जो तीन फेज का जो फीडबैक है, जो सूचनाएं हैं कि हार रहे हैं, और इसका एहसास स्वयं प्रधानमंत्री को हो गया है कि इन तीन चरणों में वो जीत नहीं रहे, इसलिए आज उन्हें अपील करनी पड़ी कि भाई आप लोग वोट दीजिए। 2 घंटे 40 मिनट की लहर, 240 सीटों पर नजर।